तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। आज हम एक गोदाम में आए हैं जिसमें लाट के फ्रिज आए हुए हैं, वर्लपूल 3 डोर के। इसमें एक ऐसा फ्रिज था जिसमें कंपनी वाले ने सभी सामान निकाल लिया था और इसका सिल्वर का कॉपर का पाइप भी टूटा हुआ था। इसमें टाइमर वगैरह भी निकाल लिया था और जो फ्रिज का पंखा है, पंखा भी नहीं था इसमें जो हमने देखा, और इसमें पंखे के बाद में बल्ब भी नहीं था इसमें। तो फिर हमने ये बताया गया कि मिस्त्री इसे भी रिपेयर कर दोगे क्या, फिर हमने इस फ्रिज को कहा हम इसे रिपेयर कर देंगे। हम इसके लिए रिपेयरिंग का कंप्रेसर लेकर आए और हमने जो है इसमें काम करना शुरू करा। तो साथियों, ये अंदर से निकला हुआ एल्यूमिनियम पाइप है, इसी में हम जो है कॉपर का 316 का पाइप लगाएंगे, और किस तरह लगाएंगे ये हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। कितना हमें अंदर तक इसमें लगाना है ये आप बराबर देख सकते हो। साथियों, ये बहुत हार्ड काम था लेकिन हमने इसको बहुत ही इजी कर दिया है। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की समस्या आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसे रिपेयर कर सकता है। फ्रिज को छोड़ना नहीं है, आप देख सकते हो हम किस तरह इसे रिपेयर कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम इस कॉपर के पाइप की पॉलिश उतारेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी पॉलिश नहीं उतारेंगे तो हमारा जॉइंट जो है कमज़ोर हो सकता है। साथियों, इस तरह कमज़ोर ना हो तो हमने जिसकी पॉलिश उतारी और साथ में थोड़ा इसके होल को चौड़ा कर लेंगे जिससे अंदर का प्रेशर हमारे पास प्रॉपर आता रहे। ये हमारे पास गोदरेज की इपोक्सी है, इसी से हम इस जॉइंट को लगाएंगे। इससे पहले भी हमने कई जॉइंट लगा चुके हैं, हमारे वे सभी जॉइंट कामयाब हुए हैं। जब हमारे कामयाब हुए हैं तो इसका अच्छा खासा अनुभव है। साथियों, आप भी अगर इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आप बहुत ही आसानी से इस काम को अंजाम दे पाएंगे। ये जो प्रोसीजर है इसे हम लगभग 5 मिनट इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह करके। अगर इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो हमारे साथ कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, जोड़ हमारा प्रॉपर मजबूत लगेगा। और ये आप देख सकते हो जो कॉपर का पाइप है, इस पर सबसे पहले हमने इसका होल बचाकर इसके चुगरदे को हमें ये केमिकल लगा लेना है, क्योंकि ये पाइप हमारा अंदर जाने वाला है इसलिए अंदर तक का जोड़ मजबूत होएगा। साथियों, आप बराबर देख सकते हो हम किस तरह से रिपेयर कर रहे हैं। ज़्यादा तो हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि ये जो पाइप टूटा हुआ है इस पाइप को हम किस तरह रिपेयर करें। ये आप देख सकते हो जितना हमने बताया था उतना इस अंदर तक ये हमने लगा दिया है, और इसके बिल्कुल अंदर तक मजबूत तरीके से हमें ये केमिकल लगाना है। इस केमिकल को लगाने के बाद में अच्छी तरह इसको पुश करना है, दबाना है, मतलब जब ये अच्छी तरह दब जाएगा तो लगभग 5 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद ये पाइप हमारा प्रॉपर मजबूत हो जाएगा। ये हमारा कामयाब हो चुका है। अब इसके बाद जो ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमने इसमें 62 नंबर का कंप्रेसर LG रिपेयरिंग का लगाया है। ज़्यादातर हम यही कंप्रेसर लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, ये हमारा अब हम सबसे पहले इसमें प्रेशर का पाइप जोड़ेंगे। प्रेशर का पाइप जोड़ने के बाद में हम इसमें जो ये हमने जॉइंट लगाया है इसे हम चेक करेंगे, और अपना कंप्रेसर चलाने के बाद में इसमें हम प्रेशर मीटर से सबसे पहले प्रेशर लगा के देखेंगे कि हमारा कोई टक्का कहीं से लीक है या नहीं है। ये इसमें टाइमर था, टाइमर भी हमने लगा दिया है, और अब हम इसको फ्रिज को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप बराबर देख सकते हो इसका जो है 0.4 एम्पीयर ले रहा है,
खाली में इतना लेता भी है साथियों, कंप्रेसर हमारा चालू है और आप देख सकते हो इसमें प्रेशर भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो है पाइप ब्लॉक भी नहीं हुआ, खुल चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले इसमें प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि इसमें प्रेशर कहीं से लीक तो नहीं है, जो हमने जॉइंट लगाए हैं ये हमारा जॉइंट तो नहीं है साथियों, इस वजह से गैस हमारी ख़राब ना हो इस वजह से हमें पहले ही चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। ये हम आप देख सकते हो इसमें हमने 100-150 पाउंड प्रेशर डाला है और डालने के बाद में इन जो हमने पाइप जॉइंट करे थे उनको हम चेक कर रहे हैं, कोई सा भी लीक नहीं है। साथियों इसमें मैं बताना चाहूँगा कंपनी ने वर्लपूल का 320 लीटर का फ्रिज है, सिल्वर की कैपिलरी दी हुई है इसमें, तो ये ओरिजिनल नया फ्रिज है, अब तक यूज नहीं हुआ इसलिए हम इसमें फिल्टर चेंज नहीं करेंगे। जो हम वैक्यूम करेंगे हम वैक्यूम इसके फिल्टर से ही करेंगे, क्योंकि हम जो वैक्यूम करते हैं सेल्फ वैक्यूम करते हैं, इसी से हमारा फ्रिज अच्छा चलता है, कोई ज़्यादा दूसरे कंप्रेसर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसमें कैपिलरी जॉइंट करेंगे छेद करके, इससे क्या होगा जो अंदर एयर है वो एयर भी नहीं बचने की और फ्रिज भी हमारा प्रॉपर काम करेगा। साथियों आप देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या करना कि इसका जो कैपिलरी का जॉइंट है ये लीक ना हो जाए, इस पर गिल्ला कपड़ा हम लगा देंगे। गिल्ला कपड़ा लगाने के बाद में जो बाकी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को भी हम करेंगे। साथियों इसमें 134 नंबर गैस डलनी है क्योंकि हमने एलजी का रिपेयरिंग कंप्रेसर लगाया, इससे पहले इसमें 600 नंबर का कंप्रेसर था वो निकाल चुका, निकाल दिया था कंपनी वाले ने किसी ने, तो अब हम इसको फ्रिज को देखेंगे। ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है और अब बताएंगे अब इसमें जो गैस है इसमें गैस डाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करना ज़रूरी है साथियों। वैक्यूम होने के बाद में हम क्या करते हैं, अच्छी तरह वैक्यूम हो जा तो इसमें एक पाइप गैस और एक्स्ट्रा डाल देते हैं वैक्यूम होने के बाद। इससे क्या होता है जो अंदर थोड़ी मोटी एयर होती है वो भी हमारी निकल जाती है साथियों। इस तरह करेंगे तो हमारे उसमें अंदर कोई एयर भी नहीं रहेगी और अंदर गैस ही जाएगी। इसके बाद में हम चेक करने के बाद में थोड़ा सा इसमें वेल्डिंग कर देंगे, क्योंकि अभी ये वेल्डिंग करने के बाद में ये थोड़ी सी गैस और छोड़ दी हमने। साथियों ये गैस फ्रिज हमारा चालू है और अब हम इसमें जो ये पाइप है इसको वेल्ड कर दिया हमने, अंदर कर देंगे इसको। आगे का प्रोसीजर हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरह हमारे फ्रिज में गैस डल रही है। साथियों गैस भी हमारी बढ़िया डल रही है और फ्रिज भी बराबर रेगुलर चल रहा है। ये हमने इसमें ये गैस पूरी कर दी है और हम इसमें 10% हमने गैस डाल ली है, 0.10% ये हमने वेल्ड कर दिया, गैस हमारी पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें अंदर का प्रोसीजर दिखाएंगे कि हमारे फ्रीजर में बर्फ़ आई नहीं है आई, ये हमने ग्रिल पहले ही खोल दी थी। आप देख सकते हो पूरी ग्रिल पे इसमें बर्फ़ आ चुकी है और जो इसमें पंखा था पंखा भी हमने लगा दिया, दूसरा फ्रिज का निकाल के बराबर में रखा था। और साथियों ये फ्रिज हमारा कंप्लीट है साथियों, इस तरह हमने इस फ्रिज को कंप्लीट किया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।